हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने बेसिक इन्वेंटरी मास्टर के बारे में जाना और उसके अंदर मिलने वाले ऑप्शन के बारे में भी जाना। दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिक इन्वेंटरी मास्टर के अंदर स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करना सीखेंगे। स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप को फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली के अंदर आना है, उसके बाद इन्वेंटरी इन्फो और उसके बाद स्टॉक ग्रुप। जैसे हम स्टॉक ग्रुप के अंदर आते हैं तो वहां पे हमें दो तरह के स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करने की परमिशन मिलती है, पहला सिंगल और दूसरा मल्टीपल। और उसके बाद हम स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करते हैं। तो आइए इसे करके देखते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा टैली में। तो दोस्तों, इस समय हम गेटवे ऑफ टैली के अंदर हैं और हमें मास्टर्स के अंदर इन्वेंटरी इन्फो में आना है। यहां हमें प्रेस करना है एंटर। तो अब हम आ चुके हैं इन्वेंटरी इन्फो के अंदर और इस समय हम स्टॉक ग्रुप पे हैं। यहां फिर से हमें प्रेस करना है एंटर और यहां पे देखिए दोस्तों, अब हम स्टॉक ग्रुप के स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो यहां पे हमें जो स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने की परमिशन मिल रही है वो दो तरह की है। पहला है सिंगल स्टॉक ग्रुप और दूसरा है मल्टीपल स्टॉक ग्रुप। तो हम दोनों तरीके से स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करना सीखेंगे। स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करने के लिए मैंने एक एग्जांपल रखा है, देखते हैं पहले एग्जांपल को। तो दोस्तों, मेरे पास जो पहला स्टॉक ग्रुप है वो है रॉ मटेरियल और जो दूसरा स्टॉक ग्रुप है वो है फिनिश गुड्स। तो हम दोनों ही स्टॉक ग्रुप को बनाने वाले हैं। चलते हैं इसके लिए फिर से टैली में। हम सिंगल स्टॉक ग्रुप पे ही काम करेंगे फिलहाल। यहां पे मैंने क्रिएट पे एंटर किया। जैसे ही एंटर करेंगे स्टॉक ग्रुप क्रिएशन का स्क्रीन हमारे सामने खुल के आ जाएगा कुछ इस तरह का। तो मेरे पास जो पहला स्टॉक ग्रुप था वो था रॉ मटेरियल। एंटर प्रेस करेंगे, यहां पे हमने स्टॉक ग्रुप का नाम एंटर किया। सेकंड ऑप्शन है एलियास, इसमें क्या एंटर करना है हम थोड़ी देर में बात करेंगे इसके बारे में, इसे हम अभी फिलहाल ब्लैंक रखेंगे। एंटर प्रेस करते हैं और जो स्टॉक ग्रुप हम क्रिएट कर रहे हैं वो अंडर प्राइमरी होगा। दोस्तों, ध्यान रखना होगा कि जब भी हम पहली स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करते हैं तो प्राइमरी के अंडर ही रखा जाता है। तो पहले स्टॉक ग्रुप को हम प्राइमरी के अंदर ही रखेंगे। एंटर प्रेस करते हैं, यहां पे है कैन क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड। यहां पे हमें करना है यस, यहां पे फिलहाल नो है, हमें करना है यस। ऐसा क्यों इसके बारे में भी हम बात करेंगे, फिलहाल हम इसे करते हैं यस और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कराएंगे। एंटर प्रेस करते हैं और फिर से एंटर प्रेस करते हैं। तो पहली स्टॉक ग्रुप हमारी बन गई और दूसरा स्टॉक ग्रुप है फिनिश गुड्स, इसे भी हम प्राइमरी के अंडर ही रखेंगे। यहां पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैसे ही हमने पहला स्टॉक ग्रुप बनाया था तो वो लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंदर हमें शो होने लगा, आप देख सकते हैं। लेकिन ये भी हमारा प्राइमरी स्टॉक ग्रुप है इसलिए हम इसे भी प्राइमरी के अंदर ही रखेंगे। प्राइमरी का मतलब ये होता है दोस्तों बड़ा, सबसे बड़ा। तो फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल ये हमारे स्टॉक ग्रुप के सबसे बड़े ग्रुप हैं और जो भी अब नए स्टॉक ग्रुप बनेंगे वो सब इसके
अंदर बनेंगे, यानी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल के अंदर बनने वाले हैं, तो इसे भी हम प्राइमरी के अंदर रखते हैं और यहाँ पे भी वाई प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट कराते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सिंगल स्टॉक ग्रुप के अंदर दो स्टॉक ग्रुप को तैयार किया। अब देखते हैं कि रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के अंदर क्या क्या स्टॉक ग्रुप हमें और बनाने हैं। तो ये देखिए दोस्तों, रॉ मटेरियल के अंदर माइक्रो प्रोसेसर, सीडी, डीवीडी, रैम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और कैबिनेट। तो ये जो आइटम है ये है मेरे रॉ मटेरियल, और इन सब से जो फाइनल फिनिश जो गुड्स तैयार हो रहा है वो हो रहा है सीपीयू। तो आइए इसकी एंट्री करते हैं, यानी इसका स्टॉक ग्रुप तैयार करते हैं। तो दोस्तों जब हम रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के लिए स्टॉक ग्रुप तैयार कर रहे थे तो वहाँ पे हमने यूज़ किया था सिंगल स्टॉक ग्रुप को, लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इन स्टॉक ग्रुप्स की बात करें, तो अब हम यूज़ करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक ग्रुप को। तो आइए इसे करके देखते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा टैली में, और इस बार हम एंटर प्रेस करके, सॉरी एरो की प्रेस करके आते हैं मल्टीपल स्टॉक ग्रुप में और यहां पे प्रेस करेंगे एंटर। तो देखिए दोस्तों हुआ क्या कि जो हमने प्राइमरी स्टॉक ग्रुप बनाए थे उसकी लिस्ट हमें यहां पे दिखाई दे रही है, फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल। अब हम फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल के अंदर जो नए स्टॉक ग्रुप बनाएंगे वो सब इसके अंदर रखना होगा। तो पहले हमें फिनिश गुड्स हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे, क्योंकि अब ये जो जो भी आइटम बनेंगे, जो भी ग्रुप बनेगा, वो सब कहाँ जाएगा, फिनिश गुड्स के अंदर। तो यहाँ पे हमने बनाया सीपीयू, फिनिश गुड्स, यहाँ पे आइटम भी एडेड में यस करेंगे, एंटर प्रेस किया, स्क्रीन को एक्सेप्ट कराया, क्योंकि एक ही फिनिश गुड्स है हमारे पास। फिर से हम मल्टीपल में जाते हैं, अगर हम चाहें तो हम सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, हमारा टाइम ख़राब होगा। तो हम मल्टीपल में आते हैं और इस बार हमने सेलेक्ट किया रॉ मटेरियल, और यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है मदरबोर्ड, यस, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद सीडी डीवीडी, उसके बाद कैबिनेट, रैम, और हार्ड डिस्क। और स्क्रीन को एक्सेप्ट कराया। तो दोस्तों इस तरीके से हम सिंगल और मल्टीपल स्टॉक ग्रुप को तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम टैली के अंदर स्टॉक ग्रुप को तैयार करते हैं, और स्टॉक ग्रुप तैयार करने के लिए हम दो ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला होगा हमारा सिंगल स्टॉक ग्रुप और दूसरा मल्टीपल स्टॉक ग्रुप। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं अपने अगली वीडियो में इन्वेंटरी मास्टर्स के कुछ और ऑप्शंस के साथ, कुछ और जानकारियों के साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।